हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे एक ऐप यूजर है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है। जी हाँ, मेरे मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुका है। आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या भी आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जो लोग आईओएस यूज कर रहे हैं उनका भी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्या जानना चाहते हैं? वो तो जानना चाहते हैं कि उनके पास कुछ सम नंबर्स हैं। जी हाँ, कुछ नंबर्स हैं, नंबर को आपस में सम करना चाहते, आपस में सम करना चाहते हैं। तो सम मतलब नहीं कि ऐसे सम का फॉर्मूला लगा दिया, जी नहीं। इनको जैसे 1 2 3 है तो यहाँ इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 और रिजल्ट आ गया 6। हालांकि इंटरव्यू का सवाल है तो उनसे शायद पूछा गया है, तो उनसे पूछ रहे हैं कैसे करें। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला सम, क्योंकि एरे फॉर्मूला से होगा, नॉर्मल से नहीं होगा। और वापस देते हैं मिड, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें देते हैं रो, रो के अंदर देते हैं इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के अंदर देते हैं 1 से लेके एन परसेंट इसकी कंप्लीट लेन, और इसको हम क्लोज करते हैं और रो को भी क्लोज करते हैं और कॉमा 1। और मिड का रिटर्न हमेशा नंबर में आता है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया ताकि वो नंबर में आ जाए, और एंटर 6। अब बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तो उसको इसकी प्रोसीजर को समझने के लिए आप जाएंगे फॉर्मूला एवलेट में। देखिए क्या कर रहा है, A2 का नंबर है, सबसे पहले लेन ने लेंथ निकाला कि 3 6 6 3 2 जो है वो कितना डिजिट का है, तो 3 डिजिट का है। फिर 1 और 3 आपस में कंबाइंड हुआ लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो इनडायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दिया रो फॉर्मेट इसमें रेफरेंस में, और फिर इसका रेफरेंस निकल गया 1 2 3 इस तरह से। और फिर मिड को 3 कर्ली ब्रैकेट में 3 मिला है तो मिड 3 बार चलेगा, हर नंबर को अलग अलग कर देगा, बट इन्वर्टेड कॉमा लगा है मतलब कि नंबर में नहीं है, टेक्स्ट में, सम इसको सम नहीं करेगा। इसलिए लास्ट में हमने मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 लगाया हुआ है ताकि इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको नंबर में कन्वर्ट कर। ये एरे फॉर्मूला है, लेकिन एरे फॉर्मूला ऐसे समझ में नहीं आएगी। एरे फॉर्मूला समझने के लिए आपको पूरी सिलेबस को अच्छे तरीके से देखना होगा, और आप चाहते हैं इस तरह की चीजें सीखना तो मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर कोर्सेज है, जहाँ स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो कोर्सेज है, और एक कंप्लीट कोर्स भी है, और ये जो चीजें आपको मिलती है एडवांस एक्सेल में। जी हाँ, एडवांस एक्सेल में आते हैं, कंटेंट में जाते हैं, वीडियोज में फॉर्मूले के चैप्टर में, देखिए यहाँ पे 42 40 फॉर्मूले हैं, 40 फॉर्मूले के अंदर अगर आप आते हैं एरे फॉर्मूला में, जी हाँ इसके 6 वीडियोज है, एरे फॉर्मूले में आपके ए आ जाएगा, इसमें आपका आता है, तीसरे नंबर में आएगा या फिर क्वेश्चंस में आता ही आता है। एरे के चैप्टर में आपको ये सारे मिल जाते हैं एरे के फॉर्मूले। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।